दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, चाहे उसमें सांसद हो या जो हारे हुए जो उम्मीदवार हैं उनके, चाहे वो लोग हों। दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति तय कर ली है, बना ली है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, चाहे सांसद हैं और चाहे जो हारे हुए जो उम्मीदवार उनके हैं दोनों पार्टियों के, उनको टिकट नो डाउट दी जाएगी। संदीप सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा जी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हाँ, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सांसद हैं जी, चाहे राज्यसभा के मेंबर हों, राज्यसभा से सांसद हों, वो भी चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतार सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ ब्रॉडकास्ट टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव की तरीके जो हैं वो तय हो चुकी हैं, इसलिए सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी जारी की जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इंडिकेशन दे दिया कि वो सबसे पहले अपनी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो लोगों के सामने लेके आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, जो उनकी ऑपोजिट बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट है वो अभी तक तय नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया है, उनके एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है कि जितने भी सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हरियाणा में कुछ सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया था। उस बात को लेके राजनीतिक गलियारों में खलबली सी मच गई है। उस सिलसिले में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति जो है वो किस करवट बैठेगी। मेहरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का और आपका भी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मेहरा साहब, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों पार्टियां जो है अपने उम्मीदवारों पे पूरी तरह से फोकस कर रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही हैं कि किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो विनिंग कैंडिडेट्स हों। लेकिन इस बीच दीपक बावरिया जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ सांसद जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, बड़ा ओपनली इंटरेस्ट शो किया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बयान के बाद किस तरह की जो उठक बटक हो सकती है इस राजनीतिक गलियारों में, क्या आपका उस बारे में मत है? देखिए राजेंद्र जी, जहां तक सांसदों को चुनाव लड़वाने की बात है जी, या संसदीय जो चुनाव अभी हुए थे उनमें जो हारे हुए उनके उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़वाने की बात है, दोनों पार्टियां इनमें कोई कमी नहीं रखेंगी। दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, चाहे उसमें सांसद हो या जो हारे हुए जो उम्मीदवार हैं उनके, चाहे वो लोग हों। दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति तय कर ली है, बना ली है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, चाहे सांसद हैं और चाहे जो हारे हुए जो उम्मीदवार उनके हैं दोनों पार्टियों के, उनको टिकट नो डाउट दी जाएगी। स्टेट इकाई जो राज्य की इकाई है, चाहे जो मर्जी कहती रहे, लेकिन अल्टीमेटली अंत में अंतिम फैसला दोनों पार्टियों का पार्टी हाईकमान करेगी जी। इस बारे में दीपक बावरिया ने बयान के आखिर में यह भी कहा है कि अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है और अगर वो जो पार्टी प्रधान है मल्लिकार्जुन खड़गे और हाईकमान अगर उसको अलाउ करता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। दूसरी तरफ बात करता हूं मैं कुमारी शैलजा की बात करता हूं, उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा कि वो 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, 1 बार राज्यसभा मेंबर भी रह चुकी हैं और अब वो अपने प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं और सीधा सीधा उन्होंने सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश की है। और इसके साथ हम रणदीप सुरजेवाला की भी बात करते हैं, आज वो राज्यसभा मेंबर है लेकिन उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो क्या पार्टी इनको मौका दे सकती है? देखिए, दीपक बावरिया जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने दोनों रास्ते खोल दिए हैं जी। एक तो पहले तो ये कहा है कि जो सांसद हैं उनको चुनाव नहीं लड़वाएंगे जी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं, जो उनकी जो स्वीकृति होगी उनकी स्वीकृति के साथ ही चुनाव
कोई भी सांसद चुनाव लड़ पाएगा, उन्होंने दोनों रास्ते खोल दिए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो कुमारी सैलजा है सांसद, अभी अभी सांसद बनी है सिरसा से, और पांचवी बार वो सांसद बनी है, और रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी सांसद हैं, तो दोनों के लिए चुनाव के लिए मुझे लगता है उन्होंने रास्ता बता भी दिया है कि इस प्रकार से आप चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एंट्री कर सकते हैं। और दोनों ही मैं बताना चाहूंगा आपको, रणदीप सुरजेवाला जी और कुमारी सैलजा जी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहेगी। कांग्रेस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दोनों पार्टियों ने ऐसी रणनीति बनाई है कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट उनको मिलेंगे, चाहे वो सांसद हो, चाहे संसदीय लोकसभा में जो आ रहे हो उनको उम्मीदवार हो, उनको टिकट देगी, विधानसभा में उनका उनको चुनाव लड़वाएगी उनका, ताकि उनको फायदा मिल सके। क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, अभी पिछले कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हो के हटे हैं, ऐसे कौन से सांसद हैं जो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं लोकसभा चुनाव में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनको वो मैदान में उतार सकते हैं? जैसा आपने पहले बताया कुमारी सैलजा जी का आपने नाम लिया, वो तो खुल के कह रही है, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कह दिया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, 100% विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं वो। और उन्होंने विधानसभा चुनाव के साथ साथ सीएम पद की जो है ना वो दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा मैं दलित हूँ, मैं महिला हूँ, मैं सबसे अधिक अनुभवी हूँ, 4 बार मैंने जो केंद्र में मंत्री में रही हूँ, और 5वीं बार मैं सांसद बनी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से उनका दावा भी बनता है। और इसी प्रकार से रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव भी, हालांकि कुमारी सैलजा भी महासचिव हैं, लेकिन उनका भी ये दावा है कि मैं भी चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। जैसे बाकी जैसा उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमान जो तय करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है सुरजेवाला की जगह उनके बेटे को उस सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए। हो सकता है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं अपने अपने बच्चों को जो उम्र जिनकी 25 साल से ज्यादा हो चुकी है, वो राजनीति में एंट्री करवाना चाहेंगे, और उनकी लॉन्चिंग हो सकती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर पार्टियां जो है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लीडरों पर दाव खेल सकती है, और भारतीय जनता पार्टी किन ऐसे लीडरों पर दाव खेल सकती है जिनके मतलब कद भी बड़े हैं और वो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव चाहे हारे हैं चाहे जीते हैं? स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियां जिन लीडरों के कद बड़े हैं उनका जो उनको चुनाव लड़वा के आसपास के क्षेत्र में जो प्रभाव रखते हैं उनका फायदा उठाना चाहती दोनों पार्टियां। ऐसे में आपने जैसे रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लिया, कुमारी सैलजा जी का नाम लिया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव उनको उन पार्टियों को फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा आपको, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सांसद हैं जी, चाहे राज्यसभा के मेंबर हों, राज्यसभा से सांसद हों, वो भी चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतार सकती है। मैं बात करता हूँ जो राज्यसभा सांसदों में भारतीय जनता पार्टी किन किन पे दाव खेल सकती है। कृष्ण लाल पवार हैं इसराना से, उन पर दाव खेल सकती है। बिल्कुल ठीक, कृष्ण लाल को इसराना से चुनाव लड़वा कर जो आसपास का उनको जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है उसको गेन करने के लिए और उस पर उसको साधने के लिए कृष्ण पवार को जो राज्यसभा मेंबर हैं उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी प्रकार से टोहाना में की मैं बात करता हूँ, हाँ जी, सुभाष बराला जी हैं टोहाना में, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ज्यादा दमदार जो जिताऊ कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं वो है नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सुभाष बराला जी हैं राज्यसभा में सांसद हैं उन पर दाव खेल सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी जो जो लोकसभा चुनाव में उनके जो उम्मीदवार हारे हैं इस बार और बहुत बहुत नजदीकी मुकाबले से हारे हैं उनको भी विधानसभा में उतार कर उनका फायदा उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रदेश प्रधान है, प्रदेश प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पंडित मोहनलाल शर्मा जी, उनको चुनाव मैदान में, वो संसदीय चुनाव तो हार चुके हैं लेकिन उनका जो फायदा है वो लेने के लिए उनको विधानसभा जो पार्टी है। मैं पर्टिकुलर एक बात करता हूँ, चौधरी रंजीत सिंह की बात करता हूँ, क्या उस पर पार्टी दाव खेल सकती है? नो डाउट, अभी चौधरी रंजीत सिंह ने चुनाव लड़ा है और वो हिसार से संसदीय चुनाव हारे हैं, उनका दावा है कि रानिया से पहले विधायक भी हैं, बिल्कुल ठीक अभी रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया था पीछे, और भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है चौधरी रंजीत सिंह को,
और इसी प्रकार से दूसरे और सांसद हैं, बंतो कटारिया की आप ले लीजिए, अम्बाला से चुनाव हारी हैं, हाँ जी, लेकिन उनकी जो जो बिरादरी का, उनका जो समुदाय का फायदा लेने के लिए और उनकी जो उनके जो जो पति हैं थे वो उनका जो सिंपैथी गेन करने के लिए, वो जो एक्सपायर हो गए थे उनके पति, बिल्कुल ठीक, तो उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए उसको चुनाव बंतो कटारिया से को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, विधानसभा से मुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है उनकी, रतनलाल कटारिया जी पीछे सिंपैथी गेन करने के लिए विधानसभा चुनाव में उन पर दाव खेल सकती है। इसी प्रकार से और भी हैं, अशोक तंवर हैं, अशोक तंवर सिरसा से चुनाव आ रहे हैं, हाँ, इस के मुकाबले बिल्कुल ठीक, अशोक तंवर एक भारतीय जनता पार्टी में चेहरा, वो कांग्रेस पार्टी में लीडर भी रहे हैं और उनका कहीं दिग्गज नेता है, वो पार्टी प्रधान भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, प्रधान प्रधान रहे, लेकिन उनका भी कहीं अच्छा प्रभाव मुझे लगता है और उनका फायदा भारतीय जनता पार्टी अवश्य लेगी विधानसभा चुनाव में, चाहे वो रतिया से उनको टिकट दें, चाहे नीलो खेड़ी के लिए भी इंटरेस्टेड है वो, और कालामाली से भी इंटरेस्टेड है वो, कहीं से भी उनको चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकते, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पार्टियां, दोनों पार्टियां कोशिश ये करेंगी कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट्स का दबदबा अपने एरिया में है, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, या वो नए उम्मीदवार हैं, उन पे दाव खेला जा सकता उनका है, उनका विधानसभा में लाभ उठाने के लिए उनको चुनाव मैदान में दोनों पार्टी, क्योंकि अल्टीमेटली गोल रहेगा फिर से बीजेपी कोशिश करेगी तीसरी बार अपना जो इतिहास है उसको दोहराने की, या फिर कांग्रेस कोशिश करेगी 10 साल के सूखे को मिटाने की, तो यही कोशिश रहेगी। इसी प्रकार से कांग्रेस में जो जो संसदीय चुनाव में जो उनके उम्मीदवार हार चुके हैं उन पे दाव खेलेगी कांग्रेस, रावदान सिंह है, रावदान सिंह भिवाणी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव हारे हैं, लेकिन उनको महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़वाएगी, राजबब्बर के ऊपर चांस ले सकती है, राजबब्बर के नो डाउट, राजबब्बर का बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव राव इंद्रजीत तो बहुत कम के मुकाबले में बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा था और अच्छे उनको, हालांकि जीत नहीं पाए वो, लेकिन जो मेव इलाका है उसका प्रभाव राजबब्बर, अगर काउंटिंग की बात करें तो मैंने देखा था कि बहुत सारे चरणों में वो आगे चलते रहे हैं पहले, मैं आपने बताया, मैं जैसे आपने मैंने बताया कि मेवात का जो एरिया है उसमें सभी जो तीन चार चार जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं उनमें उन अच्छी बढ़त मिली है और उनका प्रभाव रहा है, उस प्रभाव को का उपयोग करने के लिए राजबब्बर जी को भी चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। मेरा सब दोनों पार्टियां अपने जो सांसद हैं जीते हुए या हारे हुए जो सांसद हैं उन पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी गए हैं, उन पे दाव खेलने की कोशिश कर रही है, तो ये बताइए सीधा सीधा किस पार्टी को उसका फायदा हो सकता है? यस, अच्छा क्वेश्चन आपका, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों पार्टियां चाहे प्रेजेंट में सांसद हों, राज्यसभा के मेंबरों या तो इलेक्टेड जो सांसद हैं, कुमारी शैलजा की आपने बात की, उन वो चुनाव मैदान में उनको उतार सकती हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे स्टेट इकाई जो मर्जी कहती रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला वो हाईकमान ने करना है, और कुमारी शैलजा ने तो पूरा सार्वजनिक रूप से कह भी दिया है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ूंगी मैं, और ऐसे में मुझे भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने सांसदों पे और जो हारे हुए उनके उम्मीदवार हैं उन पे दाव खेलेगी, ऐसे में मुझे लगता है दोनों पार्टियों एक स्ट्रेटजी के तहत फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है वो कुमारी शैलजा भी इसलिए दाव लगाएगी कि शेड्यूल कास्ट वोट उसको मिल सके, शेड्यूल कास्ट उसको वोट मिल सके, क्योंकि शेड्यूल कास्ट दलित नेता है वो, और भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पर भी शेड्यूल कास्ट वोट का फायदा उठाने के लिए कृष्णलाल पवार है जैसे, और दूसरे एक दो बंतो कटारिया है उन पर दाव खेल सकती, दोनों पार्टियां का आपस में कसम कस रहेगा कि कौन ज्यादा अनुसूचित जाति, अगर ऐसे में दोनों पार्टियां टिकट देती हैं, अगर कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में उतरती है नो डाउट कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस को, क्योंकि दलित नेता के रूप में जिसकी एक जो लीडर है हरियाणा में उनकी, कुमारी शैलजा की जो पहचान है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, तो सीधा सीधा सा कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ये तो अगर कुमारी शैलजा मैदान में आती है तो आप ये कहते हैं कि उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, जो हमारी SC वोट है या अनुसूचित जाति की जो भी वोट है, उस वोट का जो सीधा फायदा है, सीधा लाभ है, वो कांग्रेस को हो सकता है। कुमारी शैलजा
का विधानसभा में उतार कर एक और कांग्रेस पार्टी फायदा लेना चाहती है जी। तो जैसा कि अभी पीछे दो दिन पहले जजपा का आजाद समाज पार्टी से समझौता हुआ है, जो चंद्रशेखर आजाद है जी, वो भी अपना दावा अनुसूचित जाति के वोटों में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उधर इन लोगों का समझौता है बीएसपी भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बिल्कुल वो भी बहुजन समाज पार्टी भी दलित समुदाय के वोटों में राजनीति करती है, ठीक है। तो अगर दोनों पार्टियां मजबूती से, दोनों पार्टियां आजाद समाज पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी का वोट गेन करने में इनहलो और जजपा कामयाब रहती हैं, तो ये सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा को मजबूती दे सकती है, बिल्कुल ठीक है, उनको विधानसभा में भी उतार सकती है। ये फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है, हालांकि स्टेट इकाई ने उनको ये कह दिया कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला तो कांग्रेस हाईकमान का होगा। ऐसे में अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा को विधानसभा चुनाव लड़वाती है तो उनको स्वाभाविक रूप से फायदा होगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर सतीश मेहरा जी, एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने पेश होंगे और चर्चा में आप लोगों को बताएंगे कि क्या होने वाले हैं समीकरण आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, थैंक यू।